हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एचटीएमएल ऑडियो के बारे में, जो कि एचटीएमएल मल्टीमीडिया की एक टाइप है ऑडियो। तो ऑडियो मीडिया के कौन कौन से टाइप एचटीएमएल सपोर्ट करता है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है MP3। ये ऑडियो की एक टाइप है जो कि एचटीएमएल सपोर्ट करता है इसे। इसके बाद दूसरा है OGG, ये भी HTML सपोर्ट करता है। और तीसरा है वेव, ये भी HTML सपोर्ट करता है। अगर आपकी ऑडियो इन फॉर्मेट में है, यानी इन तीनों फॉर्मेट में है, तो वो HTML जो है वो सपोर्ट करेगा। इनके अलावा अगर आपकी ऑडियो जो है वो बाकी फॉर्मेट में है, वो HTML सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब देखते हैं कि HTML ऑडियो में कौन कौन से टैग्स और एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। तो ऑडियो के लिए हम सबसे पहले ऑडियो का एक टैग है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मेन टैग है ऑडियो का। सबसे पहले हम ये यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास सोर्स टैग, जिसके अंदर हम SRC का एट्रीब्यूट देते हैं और टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑटो प्ले, तो ये भी एक एट्रीब्यूट है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल्स, ये भी एक एट्रीब्यूट है कंट्रोल्स का। और उसके बाद है हमारे पास लूप, ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो जो भी ऑडियो आपने इंसर्ट की है उसके लिए हम कंट्रोल्स को क्रिएट करेंगे। और जो भी अगर आपने ऑडियो क्रिएट किया है, यानी आपने HTML में ऑडियो को इंसर्ट किया है, उसको अगर आप ऑटो प्ले करना चाहते हैं, तो वो हम ऑटो प्ले का टैग यूज़ करेंगे, यानी ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। और अगर आपका लूप का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, यानी लूप के एट्रीब्यूट की वजह से आपकी ऑडियो जो है वो स्टॉप नहीं होगी, यानी आपकी ऑडियो चलती रहेगी। अगर वो ख़त्म हो जाए तो वो दोबारा से स्टार्ट होगी। और उसके बाद हमारे पास है टाइप। टाइप में हम अपने ऑडियो का टाइप देते हैं कि हमारी ऑडियो किस टाइप की है। और उसके बाद आता है हमारे पास SRC, जिसमें हम अपनी ऑडियो का एड्रेस देंगे। तो ओके, इसको अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो ये मैंने HTML का एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है, यानी कि मैंने HTML का कोड लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, बॉडी के अंदर मैं ऑडियो का टैग लगाऊँगा, यहाँ पे मैं ऑडियो का टैग लगा देता हूँ और इसको क्लोज भी करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो ये मैंने ऑडियो का टैग लगा दिया। अब जो भी मैं ऑडियो के लिए करना चाहूँगा वो इस टैग के अंदर करूँगा। तो अब ऑडियो के टैग के अंदर मैं सोर्स का टैग यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं सोर्स का टैग लगा देता हूँ। तो ये मैंने सोर्स का टैग लगा दिया। तो इसके अंदर मैं अभी SRC दूँगा, यानी ऑडियो का एड्रेस मैं यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑडियो पड़ी है, ये मेरे फाइल है, और यहाँ पे मेरे पास audio.mp3 की फ़ाइल पड़ी है। तो मैं इसके नाम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी ऑडियो हो गई। और अभी इसके बाद मैं इसको टाइप दे देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप लिख देता हूँ और इसको मैं टाइप दूँगा audio, और इसके बाद स्लैश लगाऊंगा। फिर जो मेरा ऑडियो का टाइप है वो मैं यहाँ पे दूंगा। तो MP3 के लिए हम यूज़ करते हैं MPEG, यानी MPEG, ये हम MP3 के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मैंने टाइप इसका दे दिया, यानी MP3 का टाइप मैंने दे दिया। तो अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल्स लिख देता हूँ और अभी इसको सेव करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास एक ऑडियो आ गई और इसके पास कंट्रोल करने के बटन्स भी आ गए। मैं इसको प्ले करता हूँ, चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी ऑडियो प्ले हो चुकी है। ये देखें, ये इसको मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ, इसके वॉल्यूम को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, यहाँ से म्यूट भी कर सकता हूँ, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और यहाँ से इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ। तो ये मेरी ऑडियो है जो मैंने अभी इंसर्ट की है। तो मैं अगर इसको लूप करना चाहूँ, यानी अभी हम ये देखें,
ये यहाँ पे अगर ख़त्म हो जाए तो ये ऑटो प्ले नहीं हो रही। यहाँ पे दोबारा से चेक करते हैं, ये देखे तो ये स्टॉप हो गई, दोबारा से प्ले नहीं हो रही। मैं यहाँ पे लूप का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ मैंने लूप कर दिया और इसको सेव करके अभी दोबारा चेक करते हैं। तो ये देखे, मैं अगर इसको दोबारा से प्ले करूँ और यहाँ पे ये चेक करते हैं, यहाँ पे देखे ये दोबारा से स्टार्ट होगा। तो ये देखे, ये हमारी दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से हम लूप का टैग यूज़ कर सकते हैं, यानी लूप का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और भी यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे म्यूट का यूज़ कर लेता हूँ और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। अभी इसको देखे, ये ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा। तो ये देखे, ये म्यूट हो गया। तो इस तरीके से हम अपने ऑडियो को HTML में इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हम इस कंट्रोल्स की जगह पे यहाँ पे ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर द वीडियो।